हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में। जैसे कि आप सभी को पता है, मैं बहुत टाइम से वीडियो वीडियो नहीं डाल सकी, ना तो किसी के चैनल में जा पाती हूँ। 2-3 महीने से मैं बीमार थी, आप लोगों को भी पता है, मेरे ऑलरेडी वीडियो हैं इसके बारे में। काफ़ी टाइम से पौधों की केयर नहीं हुई, इसीलिए इन सब में कीड़े लगे हैं। इन कीड़ों को हटाने के लिए मैं पेस्टिसाइड बनाऊंगी होममेड। तो ये है वाटर बॉटल स्प्रेयर, इसी में मैं आप लोगों को बना के दिखाऊंगी होममेड पेस्टिसाइड। पहले पानी डाल लिया इतना सारा उसमें, और ये है सर्फ, कोई भी सर्फ ले सकते हैं आप लोग, और शैम्पू, कोई भी शैम्पू ले सकते हैं आप लोग। और सबसे जो ज़रूरी है ये है, इसके बिना तो कुछ हो ही नहीं सकता, डेटॉल। इससे बहुत जल्दी कीड़े हटते हैं। सब कुछ इसी में डाल के, शैम्पू और सर्फ, डिटर्जेंट, और एक ढक्कन आप लोग डेटॉल का डालिए, 1 चम्मच यानी कि 1 टीस्पून। ढक्कन बंद करके इन सभी को अच्छे से मिक्स कर लीजिए, और फिर तैयार है ये पेस्टिसाइड स्प्रे करने के लिए। बहुत ही अच्छा होता है, तुरंत आराम मिलता है, इसमें पता चलता है, तुरंत हट जाते हैं सारे कीड़े जो भी ये इंसेक्ट लगे हुए हैं। ग्रीन वाला स्प्रे ख़राब हो गया था, इसलिए दूसरा यूज कर रही हूँ अभी। अभी आप लोगों को दिखाती हूँ कि कैसे इसको यूज करना है, कैसे हटाना है कीड़े सारे। फर्स्ट टाइम में ही आप लोगों को रिजल्ट मिलेगा, एक बार से नहीं तो दूसरी बार या फिर तीसरी बार कोशिश तो करना ही चाहिए, कोशिश करते रहना चाहिए, सभी हट जाते हैं। कोई भी चीज़ जो तुरंत आराम तो मिलता नहीं, बट इसमें बहुत रिलीफ मिलता है पौधों को, बहुत ही अच्छा होता है। आप लोगों से गुजारिश है कि मेरा ये वीडियो आप लोग फुल वॉच करिएगा। आइए मेरे चैनल में, आप सभी का स्वागत है। प्लीज़ सभी लोग, जो भी नए फ्रेंड मेरे, सब मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें प्लीज़। आप लोगों से विनती है, मैं भी आऊँगी आप लोगों के चैनल में। आप लोग मुझे फ्रेंड बनाएंगे तो मैं भी ज़रूर बनाऊँगी आप सभी को फुल वॉच के साथ। ये देखिए कीड़े कैसे हट रहे हैं, तुरंत ही इंस्टेंट रिलीफ दिखाई देगा इसमें, तुरंत पता चलेगा कि कैसे हट रहे हैं ये जी वाइट वाइट सा सारा कुछ। पौधों की केयर नहीं कर पा रही थी ना, इसके लिए सारे पौधे मेरे खराब हो रहे थे, कीड़े लग गए थे सारे पौधों में। बट अभी थोड़ा थोड़ा कोशिश कर रही हूँ कि मैं भी आगे बढ़ूँ। सभी को धन्यवाद।